यकीन नहीं आ रहा पर चली गई। जब बाप का साया सर से जाता है ना तो लगता है जैसे छत चली गई, लेकिन जब माँ जुदा होती है तो इंसान एक ऐसी खलैल में आ जाता है, सिर्फ अंधेरे ही अंधेरे, एक ऐसा बेमोस रिश्ता जो दोबारा कभी नहीं जुड़ सकता। चली गई हमें छोड़कर, कुछ नहीं कर सका मैं उनके लिए। ऐसा नहीं सुफियान, और अब तुम उनके लिए दुआ कर सकते हो, उन्हें हमारी दुआओं की जरूरत है। कहती थी ना तलार भाई से अलग हो जाओ, काश मैं तुम्हारी बात मान लेता तो ऐद शायद अम्मी सिद्धार्थ और हमारे साथ ही थी। सुफियान, किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है? खाना लाऊं तुम्हारे लिए? खाना खाओगी? माफ नहीं, नहीं खाओगे तो याद है ना पप्पू को अच्छा नहीं लगता था जब तुम खाना नहीं खाते थे। सुफियान, जब तक जिंदा है बेटे हमको तो सहना ही पड़ेगा ना। तुम्हारी माँ हमारी सिर्फ प्यारी बहन ही नहीं बल्कि सना और आजान की पुप्पो भी थी, और सारे रिश्ते थे हमारे उसके साथ। लेकिन क्या करे, मौत मौत तो सबको आनी है, एक दिन हमें भी आएगी। सालों गुजर जाएंगे इस गम से निकलते निकलते, लेकिन हमने खुद को खुद ही संभालना है ना मेरा बच्चा। अब तू अगर खाना नहीं खाओगी तो ये भी नहीं खाएगी, मुश्किल हो जाएगा ना इसके लिए। डॉक्टर ने कहा है कि ये बहुत वीक है, आने वाले बच्चे का सोचो मेरी जान, खाना खा लो, थोड़ा सा खा लो। यारे मन पीर से हफ्ता रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।